बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सलाम अलैकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, बैड एंड डाउटफुल डेट में हमने आई कैप ओल्ड एमसीक्यूज में 25 एमसीक्यूज तक डिस्कशन कर ली थी। 25 से ऑनवर्ड बच्चों को एमसीक्यूज पूछे। 31 पहले किसी ने पूछा था शायद। 31 वाले में आ जाए यार, 31 वाले को रीड करें, जल्दी से सॉल्व करते हैं। 31 वाले कह रहा है गुड ट्रेडर अकाउंट रिसीवेबल टोटल। भाई टोटल रिसीवेबल कितने आ गए? 80,000। इस 80,000 में दीज इंक्लूड रुपीज 900 ऑफ लॉन्ग ओवरड्यू डेट दैट माइट स्टिल बी रिकवरेबल। कहता 900 ऐसे हैं जिनके ऊपर शक है, ठीक है, और काफी अरसे से पैसे दे नहीं रहा, लेकिन स्टिल अभी उम्मीद लगाई हुई है हमने कि वो पैसे दे देगा। बट फॉर विच जी टी हैज क्रिएटेड एन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। जी टी ने क्या किया, इस 900 के ऊपर अलाउंस क्रिएट कर दिया। जी टी हैज ऑल्सो प्रोवाइडेड एन अलाउंस ऑफ रुपीज 1582:2% ऑफ द अदर अकाउंट रिसीवेबल। कहते जी टी ने क्या किया, जो अदर अकाउंट रिसीवेबल है उनके ऊपर 2% क्या कर दिया, अलाउंस निकाल दिया। और वो अलाउंस की अमाउंट कितनी बनी, 1582। व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब जी टी डाउटफुल डेट अलाउंस एज इट ईयर एंड। भाई दो अलाउंसेज हो गए, एक 1520 का और एक 900 का, ठीक है नी, दोनों को जमा करेंगे टोटल अलाउंस आ जाएगा, सिंपल सी बात ही है, डन। अब जब हमने ऑप्शन में देखा, ऑप्शन में वो स्पेसिफिक और जनरल को अलग अलग कह रहा है, तो मुझे बताएं अदर रिसीवेबल के ऊपर जो 2% लगा, क्या ये स्पेसिफिक हो सकता है? भाई जनरल है। और फिर 900 कौन सा होगा, ये एक बंदा जो काफी अच्छे से पैसे नहीं दे रहा, तो ये 900 स्पेसिफिक हो गया और 2% यानी कि जो 1582 ये क्या हो गया, जनरल हो गया। तो ऑप्शन अल्फा करेक्ट बन जाएगी हमारी। 33 पूछा और 33 वाले पर आ जाए। द टर्न ओवर इन एन एंटिटी वॉज रुपीज 2 मिलियन। भाई टर्न ओवर कितना हमारा, 2 मिलियन का, यानी कि 2 मिलियन के बाद क्या हो गई, सेल हो गई, ठीक है, टर्न ओवर लिख लें, ये हमारी सेल आ गई, 2 मिलियन की सेल आ गई हमारे पास। एंड इट्स अकाउंट रिसीवेबल वर 5% ऑफ टर्न ओवर। तो भाई डेटर कितना है, इस सेल का 5%, इस सेल का 5%, ये हमारे पास क्या हो गए, डेटर हो गए। बात समझ लेती मेरी यहाँ तक? अच्छा जी, कितना बनता है वैसे, 1 लाख पूरा बनता है, ये 1 लाख के मेरे क्या के डेटर्स आ गए, तो 2 मिलियन का 5% किया, हाफ किया, तो 1 लाख आ गया। ये 1 लाख के मेरे क्या के डेटर्स आ गए, रिसीवेबल्स आ गए। The entity wishes to have an allowance for doubtful debt 4% of receivable. इस लाख का 4% क्या होगा हमारा, रिसीवेबल, तो कितना आ जाएगा, 4,000 रिसीवेबल आ जाएगा, ये अलाउंस आ जाएगा। तो अलाउंस कितना आ जाएगा मेरे पास, 1 लाख का 4%, कितना आंसर आता है, 4,000 अलाउंस आ गया। Which would make the allowance 1/3 higher than the current allowance. ये जो 4,000 वाला allowance है, ये जो पहले वाला allowance है उससे 1/3 क्या है, ज्यादा, उससे क्या 1/3 ज्यादा है। अच्छा जी, How will the profit for the period affected by change in allowance? कहता है ये जो change in allowance, जो allowance में change आया, इससे जो हमारा profit है वो क्या affect होगा, वो क्या affect होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे यहां से ग्रॉसिंग करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि ये जो अलाउंस में चेंज आई है 1/3 हायर देन द करंट अलाउंस। अच्छा जी, ये जो मैंने 4% वाला अलाउंस क्रिएट किया, यानी जो 4,000 वाला अलाउंस है, बच्चे कौन सा अलाउंस है, 4,000 वाला, ये जो 4,000 वाला अलाउंस है, विच वुड मेक द अलाउंस 1/3 हायर देन द करंट अलाउंस। ये करंट अलाउंस से कितना ज्यादा है, 1/3 ज्यादा है, ऐसे ही है, 1/3 होता है 0.33%। तो कह सकता हूं ये जो 4,000 है ये
133.33% पे पड़ा हुआ है जी सर, ऐसे ही है क्योंकि 33% ज्यादा है ना, 33.33% ज्यादा है, ऐसे ही है। अच्छा तो कह सकता हूं कि अलाउंस हमारा क्रिएट कितना हुआ होगा, यानी कि चेंज कितना आया होगा। दो तरीके से कर सकते हो इसको, असल में हमने ना बैडेड एक्सपेंस निकालना, इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो इसको अकाउंट से कर लो या तो आप डायरेक्ट ग्रॉसिंग भी कर सकते हो। अगर तो आप इसको अकाउंट से करते हो तो अकाउंट से कैसे करेंगे, अलाउंस कितना है हमारा 4000 का, अलाउंस कितना है बच्चों हमारा, चार हजार का आ गया। ये जो 4000 है, ये जो 4000 है, ये 1/3 हायर है करंट अलाउंस से। करंट अलाउंस मीन बीडी वाला अलाउंस, ये वाला अलाउंस, ये वाला अलाउंस मेरे पास मान लो एक्स है, ये वाला अलाउंस कितना है एक्स है, तो मान लो कि ये वाला 100% पर है तो ये कितने पर होगा, 133.33 पर होगा। मेरी मेरे से एग्री कर रहे हो, ये इतने परसेंट पर होगा। Then, अगर तो मैं इसको डिवाइड कर दूं 1.3333 से तो ये 100 पर ग्रॉस हो जाएगा, 100 पर ग्रॉस हो जाएगा। एक तरीका तो ये है, तो इस 4000 को डिवाइड करते हैं 1.3333 से, क्योंकि परसेंटेज को जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो जब परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या रह जाएगा, 1.3333 डन। तो ये 100 में चल जाएगा, तो जिसका जो 100 होगा वो ये होगा, बताओ कितना बनता है, 3000। 3000 हो गया, इसका मतलब ओपनिंग अलाउंस 3000 था, हमारा 4000 हो गया, इसका मतलब कितने से अलाउंस इंक्रीज हुआ है, 1000 से अलाउंस इंक्रीज हुआ। ये 1000 हमारा क्या होगा, बैड डेट होगा, क्योंकि ये बैड डेट में जाएगा ना, और आगे बैड डेट का अकाउंट ही नहीं है मेरे पास, अगर बैड डेट का अकाउंट ही नहीं है मेरे पास तो ये इनकम स्टेटमेंट चल जाएगा एज एन बैड डेट के नाम से, ठीक है। तो ये हमारे एक्सपेंस होगा, प्रॉफिट क्या करेगा, कम कर देगा, तो प्रॉफिट विल रिड्यूस बाय 1000, ठीक है। तो ये अकाउंट से इस तरह हुआ, और अगर आप लोगों ने डायरेक्ट करना है ये डायरेक्ट, तो ये जो 4000 है ये 133.33 पर पड़ा हुआ है, और जो चेंज आएगा वो आएगा 33.33 का, यहां से डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 1000 का, ये 1000 एज एन एक्सपेंस के तौर पर आएगा। 133 कैसे है, वो ये कह रहा है कि जो आपने 4% जो आपने अलाउंस निकाला, जो कि 4000 आया, ये 4000 वाला अलाउंस 1/3 हायर है करंट अलाउंस से। करंट अलाउंस का मतलब जो आपका मौजूदा अलाउंस था, ये 4000 वाला उससे 1/3 ज्यादा है। 1/3 का मतलब 1/3 करो तो 0.33, तो मान लो अगर ये 1 है और ये उससे 0.33 ज्यादा है तो ये क्या होगा, 1.3333 पे पड़ा होगा, बस समझ आई। तो ये जो 4000 वाला अलाउंस है 133.33% है, यहाँ पे परसेंट लिखना जरूरी है, अगर नहीं लिखना तो यहाँ पे इस तरह से लिख सकते, दोनों बातें सही है, ये वाला डिजाइन भी सही है, ये परसेंटेज, ये परसेंटेज वाला डिजाइन है, या ये भी कर सकते हो आप 4000 डिवाइड बाय 1.3333 मल्टीप्लाई बाय 0.33, क्योंकि 33% सिर्फ इंक्रीज आया ना वन में, तो इस तरह करोगे इससे भी आंसर 1000 ही आएगा। तो ऐसा नंबर वन ऐसे कर सकते हो या ऐसे कर सकते हो, और नंबर थ्री अकाउंट से ऐसे कर सकते हो आप लोग, पर ग्रॉसिंग तो करनी पड़ेगी, ग्रॉसिंग तो करनी पड़ेगी। ये जो 1/3 वाली ये बात लिख देता है सर, इससे हमें कौन सा कॉन्सेप्ट सीखना है, ग्रॉसिंग का, कि ग्रॉस कैसे करना है हमें, और ये बड़ा कीमती कॉन्सेप्ट होता है अकाउंटिंग की दुनिया का। और पूछो यार, ट्वेंटी थ्री वाले एमसीक्यू में अंदर आया यार, 23 वाले में इज देर आ डिफरेंस इन बैड एंड डाउटफुल डेट, डबल डेट लिख दिया यार, डाउटफुल होगा ये, डाउटफुल डेट। अच्छा, इज देर आ डिफरेंस इन बैड एंड डाउटफुल डेट, कहता क्या
बैड डेट और डाउटफुल डिफरेंस, हमने कहा भाई बहुत हैवी डिफरेंस है, बैड डेट तो कंफर्मड एक्सपेंस है और डाउटफुल वालों पर शक है कि आज भी पैसे नहीं दे रहे लेकिन हो सकता है फ्यूचर में पैसे दे दें, तो कौन सी अमाउंट बनती, कौन सी बीटा, बीटा सही है। और कुछ और कौन सा 38 वाला, 48 वाला, 48 भी है और ये तो 50 के करीब करीब है, फिर में से पीछे जाए नहीं जाएगा, मैं पहले तारा मैं 48 वाला 48 वाले की रीडिंग कर लेते रहे यार। अच्छा 48 एमसीक्यूस पर आ जाए यार। इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31 दिसंबर 2015 कराची किंग रिपोर्टेड नेट रिसीवेबल ₹12,000 31 दिसंबर 2015 हमारा वाला साल क्या है, व्हाट इज द नेट रिसीवेबल फिगर एट 31 दिसंबर 2016। इसका मतलब ये तो 31 दिसंबर 2012 है, तो कह सकता हूँ ये जो 12,000 है ये असल में 1 जनवरी 2016 है, यानी कि रिसीवेबल का बीडी बैलेंस हुआ। समझ लगती है बच्चों? अच्छा इन छोटी छोटी बातों के ऊपर बहुत गौर रखना है। और मेरा ये रेंडर है 31 दिसंबर 2016 को। ड्यूरिंग 2016 KK मेड सेल ऑन क्रेडिट, भाई क्रेडिट सेल कितने की एंड रिसीव कैश फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, और क्रेडिट कस्टमर कैश कितना रिसीव कर लिया, समझ लग गया, एट 31 दिसंबर 2016। इसके अंदर आखिरी दिन आ गया और आपको तो आखिरी दिन की एडजस्टमेंट जो कि सारी एडजस्टेड डेटर्स में जाएगी, एडजस्टेड बैड डेट में जाएगी, वो भी हम फैसला कर लेंगे एडजस्टेड डेटर बैड डेट ओपन करें या हम एक ही अकाउंट को लेके चले। एट 31 दिसंबर 2016 KK विश टू राइट ऑफ, भाई ये तो पता चला एडजस्टेड डेटर्स में जाके भाई 7100 के फर्दर क्या हो गए, 7100 के बैड डेट हो गए एंड इंक्रीज द अलाउंस फॉर रिसीवेबल, और हमने क्या किया अलाउंस फॉर रिसीवेबल बढ़ा दिया, कहां से कहां तक 950 से लेकर कहां तक बढ़ा दिया 2100 तक, ये हमने क्या किया अलाउंस बढ़ा दिया, ठीक है 950 से 2100 तक, देखिए डिफरेंस कितना आता है 950 से 2100 तक 1150 यहां तो कोई इशू। व्हाट इज द नेट रिसीवेबल फिगर एट ईयर एंड 31 दिसंबर 2016, नेट रिसीवेबल क्या है, नेट रिसीवेबल का मतलब है क्लोजिंग डेटर्स होंगे माइनस क्लोजिंग अलाउंस कर दूंगा, सिंपल सी बात, क्लोजिंग डेटर में से माइनस कर दूंगा क्लोजिंग अलाउंस, ठीक है इसको इसमें से माइनस कर दूंगा, ये जो अमाउंट मेरे पास आएगी दिस अमाउंट गोज टू बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट में जाएगी, ये नेट रिसीवेबल होगा मेरा। इसका मतलब मुझे दो वैल्यू चाहिए, एक डेटर का क्लोजिंग चाहिए सीधी सी बात है और एक अलाउंस का क्लोजिंग चाहिए, तो मुझे दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक अलाउंस वाला और एक डेटर वाला, जानते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो जी आ जाए जरा डेटर अकाउंट ओपन करते हैं। अब मुझे बताओ एडजस्टेड वाला अकाउंट बना लें या बस एक ही अकाउंट बना लूं, क्योंकि मैंने ये रेंट तक सारा सवाल पढ़ लिया, अब ये रेंट तक जो जो कुछ हुआ वो मैं डेटर अकाउंट में लिख देता हूँ, मेरी बात से एग्री कर रहे हो? जी सर। चलो रिसीवेबल अकाउंट बन गया, डन डेटर अकाउंट में, भाई डेटर का ओपनिंग में कितना बढ़ा हुआ है 12,000 बढ़ा हुआ है, ये हमारा बीडी आ गया बैलेंस, इस बीडी में कोई प्रॉब्लम हो? नो सर। अच्छा भाई क्रेडिट सेल कितनी हुई इसके बाद? 125,000 क्रेडिट सेल हो गई, और कस्टमर से कैश कितना रिसीव किया, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर 1155500, ये कस्टमर से क्या कर लिया कैश रिसीव कर लिया, और फिर एक और हमें डेटर के अकाउंट का पता चला कि 31 दिसंबर को एक और बैड डेट हो गया, तो भाई यहीं पे कर लेते हैं हम बैड डेट्स आगे भाई कितने 7100 के, अब क्लोजिंग कर दो, बताओ क्लोजिंग क्या आता है, इसको क्लोज कर दो और इसको क्लोज कर दो, कितना आया 14400, यहां तो कोई टेंशन
कोई टेंशन नहीं। और 12,000 और 125,000 टोटल कितने कितना 137,000 और ये भी आ जाएगा 137,000। ये हो गया अकाउंट क्लोज। अब ये जो क्लोजिंग है ना 14,400 बच्चों, 14,400 ये मेरे पास क्या हो गए क्लोजिंग डेटर आ गए बच्चों। ये क्लोजिंग डेटर मेरा यहाँ पर आ गया 14,400। एग्री करते मेरे साथ? इसको मैं लिख देता हूँ ये वर्किंग वन से आए, खैर कैफ में ही लिखते हैं, आपको जरूरत नहीं है। आप लोग टेढ़ी मेढ़ी वर्किंग करके कर आप लोगों को जवाब तक ही पहुंचना है, वर्किंग के चक्करों में आप लोग नहीं पढ़ोगे। बस ये रेफरेंस दिया 14,400 कहाँ से आए, वर्किंग वन देख लो, हमने वर्किंग वन ओपन की तो पता चल गया 14,400 वहां पढ़ा हुआ है। अब क्या मुझे चाहिए क्लोजिंग अलाउंस। अब मुझे क्या चाहिए क्लोजिंग अलाउंस। अब क्लोजिंग अलाउंस के लिए मुझे अलाउंस का अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट का अलाउंस बना लेते, अलाउंस का अकाउंट बना लेते, मैंने उल्टा बोल दिया, फिक्र आप लोगों ने गौरी नहीं किया। अलाउंस और क्योंकि बैड डेट भी हो चुका हुआ है, इसके मतलब बैड डेट का भी अकाउंट बना होगा एक, और अलाउंस का अकाउंट भी बना होगा, तो दोनों अकाउंट साथ साथ ओपन कर लेते हैं। एक बैड डेट का ओपन कर लेते हैं, साथ अलाउंस का ओपन कर लेते हैं। बैड डेट और यहां पर आ गया अलाउंस, और साथ बना लेते हैं अलाउंस का। अलाउंस का अकाउंट क्लोज करके बैड डेट में ले जाते हैं, फिर वहां से इनकम स्टेटमेंट में। मुझे तो क्लोजिंग अलाउंस चाहिए, मुझे बस ये चाहिए, मुझे तो बस ये चाहिए। ये कोकोमो थोड़ी है, मुझे भी दो। खैर मुझे भी यही चाहिए। अच्छा अलाउंस में आ जाए जनाब, अलाउंस के। अच्छा अब मुझे क्लोजिंग अलाउंस चाहिए। क्लोजिंग अलाउंस के लिए अब हमारे पास अलाउंस उसने कोई दिया हुआ है, हमारे पास अलाउंस है कोई हमारे पास? ये दिया हुआ है, उसने कहा अलाउंस इंक्रीज होगा। यार कहाँ पड़ा था, नजर में क्यों नहीं आ रहा मेरा यार। हाँ ये वाली बात भाई, अलाउंस फॉर रिसीवेबल बाय 952.21 अंडर, आगे लिखें, आगे इसके लिखें इंग्लिश। यहाँ पे बच्चे इंग्लिश में फोर्थ हो जाएंगे और जिसकी वजह से मसला आएगा। अच्छा तो भाई भाई इंग्लिश सुन लें, हेलो बच्चों भाई इंग्लिश सुन लें। कह रहा है कि भाई जो अलाउंस हुआ, अलाउंस फॉर रिसीवेबल बाय, अच्छा ये क्लोज ये 31 दिसंबर को हुआ चला ना जी सर। अच्छा अलाउंस फॉर रिसीवेबल बाय 952 से कहां तक पहुंच गया, टू का मतलब होता मंजिल, टू का मतलब होता मंजिल, गोइंग टू स्कूल, फ्रॉम होम, होम से स्कूल तक, टू का मतलब होता मंजिल। भाई मंजिल क्या, क्लोजिंग रिसीवेबल, क्लोजिंग अलाउंस क्या है सर? ये है 2100। तो बस 2100 इधर क्यों लिखना है, इधर ही लिख दो बस, आंसर आ गया। हमें इनकी जरूरत भी नहीं पड़ी, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ी। आंसर क्या आया, 12,300। मेरी बात समझ आई है? यस सर। ओके अगर आप कहते तो मैं फुल फ्लैश सवाल करवा देता हूँ, और क्या चल रहा है ये। अच्छा एक सुन लो, अगर एग्जामिनर मुझसे ये पूछता, अभी तो मैंने थोड़ी सी इंग्लिश ध्यान से पढ़ ली और मैं बड़ी मुसीबत से बच गया। मैंने कहा अच्छा 2100 तो 2100 तो क्लोजिंग है, वो तो इधर आ गया, मेरी बात समझ लगती है? तो मुझे कहा यही तो मुझे चाहिए था, तो मैंने चुपचाप यहाँ पे लिख लिया। अगर एग्जामिनर पूछता इस पूरे सिनेरियो में कि मुझे अलाउंस का बीडी फाइंड कर दें, तो वो क्या होता? अब मुझे ये बताएं 952 2100 का सफर हुआ भैया, बाय का मतलब है, बाय का मतलब है कि इस साल इतने से और नई प्रोविजन आई है, नई प्रोविजन, तो बाय जो है असल में ये बैड डेट बनेगा, 950 और नई प्रोविजन आई है, तो 2100 में से 950 माइनस करो तो क्या बनेगा 1150। असल में ये 1150 ओपनिंग अलाउंस था, इतना नया आया है तो 2100 बना है, सही है? खैर हमारा सवाल तो हो चुका था, ये मैंने वैसे ही आपको ग्रेवी कराई है, ये बड़ा पन था, सही है? चलो खत्म। और अगर
यार मैं फिर दिल का तो सारा कुछ बता ही दूं। सवाल भाई खत्म हो चुका है, सवाल खत्म हो चुका है, ये आगे ग्रेवी चल रही है सर। अगर एग्जामिनर ये पूछ लेता, अगर एग्जामिनर ये पूछ लेता कि इनकम स्टेटमेंट में क्या अमाउंट जाएगी, तो फिर यहाँ से क्या किया, 950 क्लोज कर लिया उसको बैड डेट एक्सपेंस पे ले जाता और वहां से बैड डेट ये हमारे पास पड़ा भाई 1700 वाला, तो ये हमारे पास चल जाता इनकम स्टेटमेंट में। समझ आई बच्चों? भाई बैड रेंट पे कितना जाएगा, ट्रांसफर हुआ 950, ये 950 अलाउंस में क्रेडिट पर है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, डेबिट पर आ जाएगा 950, ये आ गया 71. और 7100 का तो पुराना बैड डेट हुआ है, बैड डेट कितना 70, दोनों बैड डेट कितने मिलके क्या होंगे 8050, ये जाएगा इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस के तौर पर बैड डेट एक्सपेंस। हमारा सवाल तो खत्म हो चुका था, ये बस वैसी कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, वो जो कहते नहीं यार थोड़े चने और लेके आई, वो लेके आए हूँ, ठीक है जी। चलो जी बच्चों डन, ओल्ड क्वेश्चन बैंक डन, ठीक है, बाकी फर्दर फिर कोई प्रॉब्लम आई तो पूछ लीजिएगा मेरे से। अब न्यू क्वेश्चन बैंक देखते हैं सर, ठीक है जी।